कोऑपरेशन मूवमेंट। क्लियर है बच्चे, मैथ के प्रेसिस क्लियर है आपको? ठीक है, अब सबसे पहले आपने इस चैप्टर में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की पार्टिसिपेशन जो हमने की थी, इस पार्टिसिपेशन के बाद हमने बताना है व्हाई महात्मा गांधी जी कॉल्ड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है विड्रू या वापिस क्यों की, इसका मेन इंसिडेंट कौन सा है, चोरी चोरा इंसिडेंट। यानी कि अब हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद के टॉपिक। ठीक है, आफ्टर नॉन कोऑपरेशन खिलाफत इशू। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है व्हाई दिस मूवमेंट स्लो डाउन, स्लो डाउन क्यों हो गई? ठीक है, या फिर लेस पार्टिसिपेशन क्यों थी, या फिर इसको विड्रू क्यों किया गया? तो वो मैंने डिस्कस किया था, मैं फिर से डिस्कस कर रही हूँ। स्लो डाउन क्यों होगी? नंबर वन, खादी वॉज वेरी एक्सपेंसिव, खादी बहुत एक्सपेंसिव थी एंड पीपल, पुअर पीपल कुडंट अफोर्ड। और हमारी कंट्री में उस टाइम में ब्रिटिश फॉरेन क्लोथ जो था वो ज्यादा चीप था, इसीलिए पीपल स्टार्टेड बाइंग अगेन, तो लोगों ने वो फिर से खरीदना शुरू कर दिया, इसलिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो लार्ज स्केल पे स्प्रेड नहीं हो पाई। देन सेकंड, दोज हु गेव रेजिग्नेशन फ्रॉम द ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस, टीचर्स एंड मेनी अदर स्टाफ मेंबर्स, दे रीजॉइंड बिकॉज एट दैट टाइम नो अल्टरनेट इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वर इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में उस टाइम पीरियड में इंडियन एजुकेशन अल्टरनेट नहीं थे जिसमें कि वो जाकर जॉब करते, तो मूवमेंट्स में लोग कुछ देर के लिए पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन लेटर ऑन व्हेन द मूवमेंट व्हेन द पीपल फेड अप फ्रॉम द पार्टिसिपेशन ऑफ मूवमेंट, लोग हर टाइम अपना घर छोड़कर अपनी फैमिली मेंबर छोड़कर मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, सो दैट्स व्हाई दे ज्वाइन देयर इंस्टीट्यूशंस अगेन। थर्ड थिंग आपने बतानी है दैट इन आवर कंट्री एट दैट टाइम मैनी पीपल दे फेवर्ड ब्रिटिश रूल। हमारी कंट्री में उस टाइम में बहुत से लोगों ने ब्रिटिश जो रूल है उसको फेवर किया, दे वांटेड ब्रिटिशर्स इन आवर कंट्री, दे वर सेटिस्फाइड एंड दैट्स व्हाई मे बी एट दैट टाइम मेनी पीपल दे कुडंट पार्टिसिपेट इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, दे फॉलोड वेस्टर्न कल्चर, उन्होंने फिर से वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, तो मे बी दिस इज द रीजन व्हाई नॉन कोऑपरेशन स्लो डाउन। फिर आपने और क्या बताना है, दिस मैनी प्लेसेस न्यूज you can say that Mahatma Gandhi he heard the news of movement turned violent, so isme apne wo do teen bata dena ki forest they attacked on forest guards, then peasants they attacked on the houses of the landlords, and third apne batana many Assam plantation workers they attacked on their masters, and fir apne last mein kya batana hai, incident of chori chora, ye aapko separate 2 marks mein ya alag se bhi aa sakta hai, chori chora incident map ka bhi question hai ye, theek hai। ईयर याद रखो, अगर 1921 में मूवमेंट स्टार्ट हुई तो ये मूवमेंट कब बंद हो गई, 1922। ठीक है, ईयर 1922। इसका रीजन क्या था, बिकॉज सम ऑफ द पीपल एंग्री मॉब, मॉब का मतलब होता है कुछ ग्रुप ने क्या किया, एक पुलिस स्टेशन जो है उसको जला दिया, और वहां पे 22 पुलिसमैन, नंबर याद रखो, 22 पुलिसमैन दे वर बर्न, एंड व्हेन महात्मा गांधी ही हर्ड द न्यूज ऑफ दिस मूवमेंट टर्न्ड वायलेंट and that's why he called off or withdrew, closed down the non-cooperation movement, clear? और फिर आपने इसमें बताया है that according to Mahatma Gandhi, non-cooperation movement जो थी that was non-violent, but many people they took the wrong meaning of non-cooperation. Place का नाम चोरी चोरा, UP state, district गोरखपुर, ये answer में mention करोगे, गोरखपुर district। So after this incident, yani ki 1922 ke baad, now Mahatma Gandhi he stopped the movement, yani ki kuch der ke liye movements ko band kar diya, kyunki wo chahte the ki satyagrahi ko kya kiya jaye, properly trained kiya jaye, unko satyagraha ka real meaning bataya jaye, yani ki 1922 se lekar 1930 tak Mahatma Gandhi ji ne koi ek nation wide movement jo hai wo start nahi ki, nahi to jab se wo aaye the आपने पढ़ा 15 में वो आए, 1915 में आए, 1916 में सत्याग्रह, 1917 में सत्याग्रह, 1918 में सत्याग्रह, 1919 में कौन सा सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह, ठीक है, उसके बाद जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ, देन 1920 में INC का सेशन, कन्विंस किया कि नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत को साथ में क्या किया जाए, ऐड किया जाए,
उसके बाद 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई, ठीक है, उसके बाद 1922 में इस इंसिडेंट के कारण उन्होंने वापस ले ली। 15 से लेकर 1922 तक लगातार सत्याग्रह में या मूवमेंट्स में कई लोग फेडअप हो चुके थे। अब उनके पास एक और ऑप्शन था कि टू कंटेस्ट इलेक्शन, फॉर्म द गवर्नमेंट एंड ट्राई टू पार्टिसिपेट इन द लेजिस्लेशन प्रोसेस। यानी कि अब इसी में से, यानी कि INC में से ही, कांग्रेस पार्टी में से ही कुछ लीडर्स जो थे वो महात्मा गांधी जी की पॉलिसी से जो है वो एग्री नहीं करते थे। उनका ये मानना था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाकर कुछ नहीं होगा, बल्कि उनके साथ जाकर, उनके साथ बातचीत कर लोग जो चाहते हैं उनके सामने प्रेजेंट किया जाए। एंड इस तरह से ये लोग इस पे बिलीव करते थे इलेक्शंस में वो जीते और जीतने के बाद जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, उनको कन्वे किया जाए विद अ पीसफुल मेथड। तो इसके बाद अब हम डेवलपमेंट्स पढ़ेंगे कि 1922 के बाद मेजर डेवलपमेंट्स कौन सी हुई। नंबर वन, स्वराज पार्टी। टू मार्क्स क्वेश्चन, स्वराज पार्टी हु फॉर्म्ड, ईयर याद रखो मेन 1922, सेम ईयर व्हेन दिस मूवमेंट वाज कॉल्ड बाय महात्मा गांधी, ठीक है। इनके मेन मेंबर्स सीआर दास, चितरंजन दास, जो कि पहले कांग्रेस पार्टी के ही थे, अलग हो गए, उन्होंने अलग से अपनी पार्टी बना ली स्वराज पार्टी। इनका मानना था कि वो मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और इलेक्शंस में जीत कर गवर्नमेंट बनाएंगे और गवर्नमेंट बनाकर अपनी प्रॉब्लम ब्रिटिशर्स को कन्वे करेंगे। एंड दूसरे कौन थे, एम मोतीलाल नेहरू, फादर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन दोनों का नाम मेन आता है स्वराज पार्टी के लिए, ठीक है, 1922। इसके बाद यानी कि 1922 के बाद और भी मेजर डेवलपमेंट्स हुई हमारी कंट्री में, कुछ और पार्टीज बनी, ठीक है। एक और पार्टी बनी CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, रशियन रेवोल्यूशन को इंस्पायर जो है, जिनसे वो इंस्पायर थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिनका ये मानना था कि कंट्री में जितने भी रिसोर्सेज हैं वो प्राइवेट पीपल नहीं बल्कि गवर्नमेंट के अंडर होने चाहिए। स्वराज पार्टी बनी, कुछ लोगों ने CPI कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट किया। ये 1925 ऑनवर्ड ये पार्टी बनी। एक और ग्रुप बना हमारी कंट्री में RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय, ये मेन हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। बेसिकली कहा जाता था कि हिंदू ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन इनका मेन मोटिव क्या था, सोशल सर्विस, यानी कि हमारी कंट्री में लोगों की सोशल सर्विस करना और लोगों की प्रॉब्लम्स को आगे गवर्नमेंट तक पहुंचाना। इसमें लोग फिजिकल ट्रेनिंग या अलग अलग तरह की जो है वो टीचिंग, मॉरल वैल्यूज बच्चों को देते थे। तो इस तरह से कुछ हमारी कंट्री में नई नई डेवलपमेंट्स हुई, ये है 1922 ऑनवर्ड्स, ठीक है। इसके अलावा हमारी कंट्री के कुछ एक्ट्स आपने याद रखने हैं जो ब्रिटिशर्स ने टाइम टू टाइम बनाए। एक बनाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसमें रॉलेट एक्ट बना था, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत से लॉज बने थे जिन लॉज को बाद में इंडियंस ने अपोज किया, ठीक है। इसके बाद अब जब हमारी कंट्री में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो खत्म हो गई और लोग जो है वो पार्टीज बनाना शुरू हो गए, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये डर था कि आगे लोग जो है वो और ज्यादा किसी और स्ट्रेन यानी कि स्ट्रांग मूवमेंट जो है वो ना बना ले, तो अब फिर से इनको मॉडिफाई करना चाहते, यानी कि ये कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता था, इसको आगे वो मॉडिफाई करना चाहते। और इसको मॉडिफाई करने के लिए 1927 में लंदन में एक कमीशन बना जिसको बोलते हैं साइमन कमीशन, साइमन कमीशन। इस कमीशन को बनाने का मोटिव क्या था, टू रिफॉर्म द लॉज ऑफ 1919। एक तो इसको क्या करना, कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने, सजेशंस, नए लॉज बनाना। 1919 में कुछ पुराने लॉज उनको डिलीट कर देना, नए लॉज बनाना। तो इसलिए 1927 में लंदन में बना था साइमन कमीशन। वैसे ईयर जो है वो 1928 है जब इंडिया में आया, लेकिन कमीशन बना साइमन कमीशन। और जिस गवर्नमेंट यानी कि जिस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर वहां पे थे मिस्टर टोरी, तो टोरी गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट ने बनाया, टोरी गवर्नमेंट, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर थे वहां पे ही, उन्होंने ये कमीशन बनाया।
उनका मेन मोटिव क्या था ये कमीशन बनाने का, कि हमारा मतलब इंडिया में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको मॉडिफाई किया जाए, ताकि जो लोग हैं उनको कन्विंस किया जाए ताकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट करें। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, इस कमीशन में कोई भी इंडियन नहीं था। इनके हेड कौन थे जिनके नाम पे ये कमीशन का नाम पड़ा? सर जॉन साइमन, इंक्लूडिंग हिम टोटल कितने मेंबर्स थे? 7 मेंबर्स। ठीक है, तो 7 मेंबर्स थे। और कमीशन ने कुछ टाइम के लिए वहां पे लंदन में इंडिया को स्टडी किया। अब आप खुद सोचो, सारे के सारे मेंबर्स ब्रिटिशर्स, स्टडी कहाँ पे कर रहे हैं? ब्रिटेन में। किसको स्टडी कर रहे हैं? इंडिया को। तो लोगों को प्रॉब्लम क्या थी कि कोई इंडियन नहीं है, एंड सेकेंड थिंग वहां पे रहकर स्टडी किया जाए। तो लोगों ने कहा कि कमीशन जो है उसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं। और ब्रिटिशर्स ने क्या किया, फिर इस 7 मेंबर्स कमीशन को इंडिया भेजा। कौन से ईयर में? 1928, जिसको मेन ईयर कहा जाता है, साइमन कमीशन 1928। कमीशन आया हमारी कंट्री में 1928। लेकिन प्रॉब्लम सेम थी, नो इंडियन मेंबर वाज देयर। तो इंडियंस ने ये कहा कि हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बन रहे हैं, कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं है, उनको कैसे पता लगेगा कि हमारी प्रॉब्लम क्या है और इंडियंस क्या चाहते हैं? ठीक है, या तो इसमें इंडियन मेंबर्स हो, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसमें किसी भी इंडियन को मेंबरशिप नहीं। सो दैट्स व्हाई मेनी पीपल दे अपोज दिस कमीशन। ठीक है, इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट लीडर लाला लाजपत राय माने जाते हैं। ठीक है, और जब ये कमीशन हमारी कंट्री में आया तो इस कमीशन को प्रॉपरली वेलकम नहीं किया गया। दे वर ग्रीटेड विद अ ब्लैक कलर फ्लैग। ब्लैक कलर शो करता है सौरव। ठीक है, एंड उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था? साइमन गो बैक, कि साइमन वापस चला जाए, हमें इसकी जरूरत नहीं है। दैट वाज द बिगेस्ट इंसल्ट टू जॉन साइमन एंड देयर कमीशन मेंबर। और ये कमीशन बिना किसी रिफॉर्म, बिना किसी सजेशन के वापस चले गए। लेकिन जो लोगों ने इनको अपोज किया, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, और इस लाठीचार्ज में बाद में लाला लाजपत राय जो है वो काफी, जिसे हम कहते हैं कि इंजर्ड हुए, एंड लेटर ऑन ही डाइड। ठीक है, तो दैट वॉज द ऑल अबाउट डेवलपमेंट्स 1922 के बाद। ये मेन डेवलपमेंट्स हुई साइमन कमीशन। अब 1928 में जब साइमन कमीशन वापस चला गया, तो उस टाइम पीरियड में हमारी कंट्री में वॉइसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन। टॉप मोस्ट कंडीशन, जो पोजीशन होती है कंट्री की, वॉइसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन। अब उन्होंने क्या किया, उनको पता था कि अब इंडियन जो है वो मानने वाले नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने इंडियंस को वेग ऑफर का मतलब क्या होता है कि जस्ट काइंड ऑफ इंसेंटिव देना। कौन सा इंसेंटिव दिया उन्होंने? इंडिया को डिक्लेयर कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, यानी कि क्वीन के साथ डिस्कस करके इंडिया को एक स्टेटस मिला, जिसको बोलते हैं डोमिनियन स्टेटस। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या है? डोमिनियन का मतलब है इंडिया विल बी रूल्ड इंटरनली बाय द इंडियंस, व्हाट All the decisions will be approved on external and internal level by the government. Dominion का मतलब क्या होता है? एक ऐसी कंट्री जिस कंट्री में लोकल लेवल के ऊपर इंडियंस दे कैन लेजिस्लेट लॉज, लॉ बना सकते हैं, लेकिन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल लेवल पे उनको अप्रूवल किनकी चाहिए होगी? ब्रिटिश गवर्नमेंट की। तो ऐसी फ्रीडम का क्या फायदा? अगेन आई एम रिपीटिंग, डोमिनियन का मतलब क्या होगा, यानी कि इंडिया को एक ऐसा स्टेटस दे दिया गया कि जिसमें इंडिया को इलेक्शंस, यानी कि इलेक्शंस करवाए जाएंगे किस लेवल के ऊपर? प्रोविंस। अब ये प्रोविंस वर्ड क्या है, सॉरी प्रोविंस, जैसे इंडिया को अलग अलग स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया है ना राइट नाउ, एट दैट टाइम अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट टोटल 11 प्रोविंसेस वर थे। जैसे बंगाल प्रोविंस, बंगाल, बिहार, ओडिशा, उस सेंटर में पूरा एक प्रोविंस था, एक एरिया था। ऐसे ही टोटल 11 प्रोविंसेस थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या राइट दिया, दैट पीपल दे कैन कंटेस्ट इलेक्शन ऑन द प्रोविंस। प्रोविंस का मतलब क्या होता है? स्टेट लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल। इंडियंस कैन कंटेस्ट इलेक्शन, इंडियंस कैन वोट, लोगों को वोटिंग राइट भी दे दिया गया। लेकिन आपको पता है स्टार्टिंग में लोगों को वोटिंग राइट कितना मिला? 21 ईयर्स। तो लेटर ऑन बाद में चेंज किया है, पर स्टार्टिंग में कितना दिया गया था? 21 ईयर्स। ठीक है, और प्रोविंशियल लेवल के ऊपर इलेक्शंस जो है वो कंटेस्ट भी कर सकते थे और वो पार्टीज भी बना सकते थे। यानी कि डोमिनियन का मतलब क्या होता है? लोकल लेवल के ऊपर वो लॉ भी बना सकते हैं, लेकिन उनको अप्रूवल हर बात पे किसकी चाहिएगी?
ब्रिटिशर्स की, इंटरनल लेवल के ऊपर भी और एक्सटर्नल लेवल के ऊपर भी। यानी कि जैसे हम कहते हैं कि हम बिल पास करवाते हैं लोकसभा में, लोकसभा बिल होता है, फिर राज्यसभा में, फिर फाइनल अप्रूवल किसकी चाहिए होती है? प्रेसिडेंट। ऐसे ही अगर ये प्रोविंशियल लेवल पे कोई भी नया लॉ बनेगा कंट्री के लिए, कुछ भी होगा, तो फाइनल अप्रूवल विल बी नीडेड बाय द ब्रिटिश, जो जो उस टाइम पीरियड में टॉप मोस्ट पोजिशन पे थे। अब इसका डोमिनियन स्टेटस जो था, इसका सबसे ज्यादा अपोज किसने किया? INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, INC के उस टाइम पीरियड के प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट मैं कंट्री के प्रेसिडेंट की बात नहीं कर रही हूँ, हर साल पार्टी का लीडर चेंज होता था, पार्टी का प्रेसिडेंट। तो उस पर्टिकुलर ईयर में 1929 जब साइमन कमीशन वापस चला गया, उसके बाद नेक्स्ट ईयर आया 1929। ठीक है, ये याद रखो, INC 1929, उस टाइम में प्रेजिडेंट कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कंट्री जो थी INC, जो सबसे ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी मानी जाती थी। ठीक है, ही अपोज दिस डोमिनियन स्टेटस। उन्होंने कहा कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद, हमें जैसे हम कहते हैं अधूरी आजादी नहीं चाहिए, क्या चाहिए? पूरी आजादी चाहिए। और उस टाइम में यह स्लोगन जो है वो बहुत फेमस हुआ, पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया कि हर साल INC का सेशन होता था, पहले आपके बोर्ड एग्जाम में ना लाहौर के सेशन का इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन होता था मैप पे, लेकिन अभी इस बार नहीं है। ठीक है, तो ये सेशन कहां पे हुआ? लाहौर, क्योंकि अभी पाकिस्तान में है। लाहौर में, अर्लियर इट वॉज अ पार्ट ऑफ इंडिया, लाहौर में INC का सेशन बुलाया गया अंडर द प्रेजिडेंटशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। पूरी पार्टी के अलग अलग कंट्री में जितने भी डेलीगेट्स थे उनको बुलाया गया। इन्होंने क्या किया? प्लेज लिया। प्लेज का मतलब क्या है कि हम क्या चाहते हैं? पूर्ण आजादी, पूर्ण आजादी चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज चाहिए। एंड उसके लिए इन्होंने कहा कि चाहे ब्रिटिशर्स हमें आजादी दे या ना दे, हम डिक्लेयर करते हैं द 26 जनवरी 1930 विल बी ऑब्जर्व इंडिपेंडेंस डे इन ऑल द कंट्री। यानी कि 26 लाहौर में सेशन हुआ था दिसंबर में, ये दिसंबर में हुआ था, दिसंबर में अप्रूवल की गई और कुछ दिनों का टाइम दिया गया लोगों को, बताया गया ताकि लोगों को बताया जाए। और दे डिक्लेयर दैट 26 जनवरी 1930 विल बी ऑब्जर्व एज इंडिपेंडेंस डे। अब आप कई बच्चे कहते हैं कि मैम हम तो 15 अगस्त मनाते हैं। ठीक है, अब ब्रिटिशर्स ने हमें आजादी दी 15 अगस्त, उन्होंने 26 जनवरी को नहीं दी, लेकिन हमें इंडिपेंडेंस मिली 15 अगस्त 1947। बाद में जब हमने 9th में किया था ना कॉन्स्टिट्यूशन, तो मैंने आपको बताया था इस डे को याद करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन गया था 26 नवंबर को 1949, लेकिन हमने 2 मंथ वेट की, नवंबर टू दिसंबर, दिसंबर टू जनवरी, क्योंकि उस टाइम पर कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट थी। उन्होंने अपनी पार्टी के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को कमेमोरेट करने के लिए 26 जनवरी को हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट किया। इसीलिए 26 जनवरी की हिस्टोरिकल, यानी कि हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, लेकिन इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? लाहौर सेशन जब हुआ था दिसंबर में, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस का स्लोगन पास किया, प्लेज लिया गया। प्लेज का मतलब क्या होता है? जब तक हमें पूर्ण आजादी नहीं मिलेगी हम चैन से नहीं बैठेंगे। प्लेज में और बहुत सी लाइंस थी, और एक और जो है इसमें मेन माना जाता है कि रावी रिवर, पंडित जवाहरलाल नेहरू रावी रिवर के पास प्लेज लिया गया था। एंड फर्स्ट टाइम ट्राइकलर फ्लैग वॉज होस्टेड। आप ये देखो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर उन्होंने अपनी कंट्री का फ्लैग होस्ट किया, ट्राइकलर फ्लैग होस्टेड, ट्राइकलर फ्लैग होस्टेड नियर द रावी रिवर। पानी को हाथ में लेकर प्लेज लिया कि जब तक हमें पूर्ण आजादी नहीं मिलेगी हम चैन से नहीं बैठेंगे, कंट्री के लिए सेक्रीफाइस करेंगे और हर तरह से अपनी आजादी के लिए स्ट्रगल करेंगे, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, तो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस सेशन। अगर आपको आता है राइट अ नोट ऑन लाहौर सेशन, तो ये सारे पॉइंट्स आपने देने हैं लाहौर सेशन के लिए। सबसे पहले आप बताओगे कि इसकी बैकग्राउंड, थोड़ी सी बैकग्राउंड, कि 1928 में जब साइमन कमीशन वापस गया तो मॉडिफिकेशन नहीं हो पाई 1919 के एक्ट में। ठीक है, और उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को एक स्टेटस दिया, डोमिनियन स्टेटस, जिसको रिजेक्ट किसने किया? INC ने। और INC के उस टाइम में प्रेजिडेंट कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने पूरी कांग्रेस लीडर्स के साथ मिलकर
26 जनवरी 1930 को ऑब्जर्व किया कि दैट वी आर गोइंग टू डिक्लेयर 26 जनवरी 1930 आर इंडिपेंडेंस, हम डिक्लेयर करते हैं कि ये हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे हर साल, और अगर हमें आजादी मिलती भी है या नहीं मिलती हम इसके लिए स्ट्रगल करेंगे। रावी रिवर के पास उन्होंने पानी को हाथ में लेकर प्लेज किया, ट्राई कलर फ्लैग जो है वो होस्ट किया गया, और इस तरह से ट्राई कलर फ्लैग होस्ट करना मतलब एक तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को चैलेंज किया, ठीक है। इसके बाद अब कंट्री में प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लगा कि जो कांग्रेस पार्टी है वही उनके अगेंस्ट हो गई है, ठीक है। और दूसरी तरफ महात्मा गांधी जो थे वो भी अपनी लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो कन्वे कर रहे थे, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, डिप्रेशन। 9th में आपने किया था ना डिप्रेशन, एग्रीकल्चर डिप्रेशन कौन से ईयर में आया था, 1929, जब यूएसए की शेयर मार्केट क्रैश हो गई थी और उसका लॉस जर्मनी में हुआ, जर्मनी के अलावा और भी काफी कंट्रीज में इसका जो है वो प्रॉब्लम है। यहाँ पे अब हमने स्टार्ट करना है 1930 का टाइम पीरियड, दैट इज सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। यहाँ तक कोई डाउट है, यू कैन आस्क। 1930 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड सॉल्ट मार्च, एनी डाउट? That is election campaigning.